नमस्कार दोस्तों, जेएसपीसी इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन किसी ने भी हमारा पिछला वीडियो देखा है जिसपे हमने शतरंज से संबंधित कुछ कहानियों को आपके साथ बांटा था, उन्हें पसंद आया होगा और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें और प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं, तो वह वीडियो हम लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम बिल्कुल ही शुरुआत से सीखेंगे कि क्या मोहरे होते हैं, कैसे चाल चलते हैं और कैसे आप खेल में एक खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने 64 खानों की महिमा तो देख ली पिछले वीडियो में, जैसे आपने देखा कि गणित से कैसा संबंध है, क्या हुआ और कितने नंबर पहुंच गए थे जब खानों में संख्या डबल होना शुरू हुई। आप चाहें, जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं, उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये है आपका खेल का मैदान। जी हाँ, आपके खेल का मैदान जो आप घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं शतरंज जैसा खेल। शतरंज दो लोगों का खेल है, काले मोहरों से एक खिलाड़ी खेलता है और एक सफ़ेद मोहरों से खेलता है। पर सबसे पहले जानते हैं अपने इस बोर्ड को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 64 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पर 64 खाने हैं। आधे जो हैं वो डार्क कलर में हैं, आधे लाइट कलर में, मतलब गाढ़े रंग में और हल्के रंग में। आप देख सकते हैं कभी कभी काले और सफ़ेद रंग भी यूज़ होते हैं, कभी कभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउन और हल्का सा जो है येलो यूज़ हुआ है, पीले कलर का रंग। तो कुल मिला के एक कलर गाढ़ा होगा और एक कलर हल्का होगा और 32-32 खाने जो है वो डिवाइड होते हैं। मोहरे 16-16 होते हैं दोनों के पास, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। पर सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि इस बोर्ड को जो रखने का तरीका होता है, आपके जो सीधा हाथ, जैसे ये मेरा सीधा हाथ है, तो राइट हैंड साइड का ये जो कॉर्नर है ये लाइट कलर का होना चाहिए, हल्के कलर का होना चाहिए, तभी बोर्ड को सही रखा हुआ माना जाएगा। इसके कुछ और मानक हैं, जैसे 8 स्तंभ होते हैं या जिन्हें हम अंग्रेजी में कहें फाइल्स होती हैं, ए फाइल, बी फाइल, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये पूरी फाइल है। ऐसे ही 8 पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम अंग्रेजी भाषा में रैंक कहते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, 8 रैंक कुल होती हैं, जिसमें आप जो पहली रैंक होती है उस तरफ सफ़ेद मोहरों के खिलाड़ी बैठते हैं और जो 8वीं रैंक होती है उसकी तरफ काले मोहरों के खिलाड़ी बैठते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे सारे बोर्ड का लेखा जोखा। इसमें कुछ और बातें भी होती हैं, जैसे हम बोर्ड को वस्तुतः 3 भागों में बांटते हैं। जो फाइल ए से लेके सी तक का हिस्सा होता है इसे हम क्वीन साइड कहते हैं, डी और ई इसको हम सेंटर कहते हैं और एफ और से लेकर के एच तक का जो हिस्सा है ये किंग साइड कहलाता है। खैरिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके सबसे पहले दोस्त। जी हाँ, मोहरे आपके दोस्त ही तो होते हैं जो आपके इशारों पर काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले दोस्तों से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक पहेली जिसका जवाब आपको देना है। तो पहेली कुछ यूँ है, ये चलता है चारों ओर, नहीं मचाता बिल्कुल शोर, जोड़ का निशान ये बनाता है। बच्चों बोलो, क्या तुमको समझ आता है? जी हाँ, आपको आंसर मिल गया होगा, मैं समझ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुक की। जी हाँ, तो जानते हैं रुक को। सफ़ेद मोहरों के खिलाड़ी के पास 2 रुक होते हैं जो कि इस स्थान पर बैठते हैं और काले मोहरे के रुक इस स्थान पर बैठते हैं। अब जानते हैं ये रुक कैसे मूव करता है। ये रुक मूव करता है आगे की तरफ, पीछे की तरफ, बाएं और दाएं, मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज, लेकिन प्लस का साइन बनाते हुए, मतलब स्ट्रेट लाइन में। ये सबसे पहली बात है। अच्छा, रुक के बारे में एक खास बात यह है कि रुक पीसेस के ऊपर से जंप नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये बिशप रखा हुआ है, तो रुक अभी सीधे आके इसको नहीं मार सकता क्योंकि वो मोहरों के ऊपर से जंप नहीं कर सकता, वो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। लेकिन अगर आप इसी स्थिति में देखें, मैं अगर यहाँ पर कुछ मोहरे रख दूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा मोहरा क्लिक हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बिशप को मार सकता हूँ, क्वीन रखा हुआ है, अब मैं क्वीन को कैप्चर कर सकता हूँ, एक एक चाल, मतलब एक चाल में एक ही साइड डायरेक्शन में जाएंगे और तीसरी चाल में मैं इस घोड़े को मार सकता हूँ। ठीक है, रुक के बारे में एक और खास बात है कि रुक जो होता है वो चूँकि सीधा चलता है इसीलिए उसे एक खाली रास्ता चाहिए सीधा, जिसमें वो काम कर सके। जैसे इस स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो रुक है ये अगर हमें इसे इस्तेमाल में लेना है तो ये इधर बट काम नहीं कर रहा है, तो इसे हमें लाना होगा D1 के स्क्वायर पे ताकि ये बाहर आ सके और काम कर सके। तो ये थी बात रुक के बारे में। तो दोस्तों, एक बार फिर मिलते हैं आपके एक और दोस्त से। जी हाँ, तो एक बार फिर शुरुआत करेंगे पहेली के साथ। एक रंग से इसको काम, दूजे का मत लेना नाम, टेढ़ा टेढ़ा इसका दाम, बच्चों बताओ इसका नाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिशप की, मतलब ऊँट की। जी हाँ दोस्तों, ऊँट जो होता है वो सिर्फ एक कलर पर चलता है, जैसे आप यहाँ पे, और डायगोनल्स पे चलता है तिरछा, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ यूँ और कुछ इस तरह से बोर्ड के ऊपर कंट्रोल करता है।
और ऊंट भी जो वही पीस है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये पीसेस के ऊपर से जंप नहीं कर सकता है। जैसे अगर यहाँ पे रानी को मारना हो, वजीर को, तो नहीं मार सकता है क्योंकि ऊंट यहीं पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि ये पॉन बीच में है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि अभी हम इन किन पीसेस को बारी बारी मार सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले कौन कैप्चर हो रहा है, क्वीन, फिर नाइट और फिर बिशप। तो इस तरह से बिशप काम करता है। अच्छा, अगर ये लाइट कलर में भी होगा तो भी आप देख सकते हैं कि ये लाइट कलर के खाने पे जो है कंट्रोल करेगा। ओके, एक और महत्वपूर्ण बात बिशप के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिशप जो होते हैं वो भी, उन्हें जिस तरह से वो काम करते हैं कुछ उसी तरह से आपको उन्हें जगह देनी होगी बोर्ड के ऊपर, तभी जा करके आपके जो मोहरे हैं वो बोर्ड पर ठीक ढंग से काम करेंगे। जैसे कि इस स्थिति को देख लें, तो अगर मुझे इन दोनों बिशप से काम लेना है तो मुझे इस बिशप को यहाँ रखना होगा ताकि वो इस डायगोनल में काम करे, इस बिशप को यहाँ रखना होगा ताकि वो इस डायगोनल में काम करे। इस तरह से हमें इन मोहरों से काम लेना है। दोस्तों, अब बात करते हैं शतरंज के सबसे रोचक मोहरे की। जी हाँ, जिसको देख के आपको बड़ा रोमांच आएगा और जब भी वो बोर्ड पर खेलेगा आपको खतरा भी महसूस होगा। और दोस्तों, इसके लिए जो पहेली मैं लेकर के आया हूँ उसकी पहेली कुछ इस तरीके से है। इसका काम बड़ा पेचीदा, चले ना बिल्कुल भी ये सीधा, दुश्मन हो जाते हैं दंग, हर बारी में बदले रंग। जी हाँ, पहचान गए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घोड़े की, नाइट की। जी हाँ, ये नाइट जो कि चलता है एल शेप में, जैसे यहाँ से 1, 2, 2 and half, हम उसको कहते हैं 1, 2, 2 and half, 1, 2, 2 and half। इसको और आसानी से समझाते हैं, जैसे घोड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1, 2, दो स्क्वायर सीधे, यहाँ पे घोड़ा जाएगा नहीं, लेकिन कहाँ जाएगा, इसके आजू बाजू के स्क्वायर में, 1, 2, 2 and half, 1, 2, 2 and half। ठीक यहाँ पे भी ऐसे ही, और यहाँ पर भी ऐसे ही। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घोड़ा बोर्ड में एक ऐसा मोहरा है जो हर पारी में रंग बदल देता है, हर कलर। जैसे यहाँ से यहाँ आएगा 1, 2, 2 and half, तो देखिए कलर बदल गया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है इस घोड़े की कि घोड़ा जो है वो पीसेस के ऊपर से जंप कर सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे अगर इस रुख को कैप्चर करना हो तो मैं कैप्चर कर सकता हूँ, मतलब मैं चाहे मेरा पीस हो या अपोनेंट का, मैं उसके ऊपर से जंप करके इस घोड़े को मार सकता हूँ। आइए देखते हैं एक एग्जांपल की, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले कौन कैप्चर हो रहा है, ये, देन 1, 2, 2 and half क्वीन, एंड नाउ सो 1, 2, 2 and half। तो इस तरह से जो है वो घोड़ा काम करता है। अच्छा, घोड़े के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अगर खेल की शुरुआत में आपको ये मोहरा जो है बाहर निकालना है तो किस स्क्वायर से आपको इसको बाहर निकालना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा मिले। ये घोड़े का स्टार्टिंग स्क्वायर है, और क्षमा करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप अगर सेंटर की तरफ निकालेंगे, मतलब केंद्र की तरफ निकालेंगे, तो ये जो घोड़ा है ज़्यादा बेहतर से आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं उस मोहरे से जो कि हर किसी की पसंद होता है। जी हाँ, इसके बारे में कहा जाएगा कि सबसे ताकतवर कहलाती, सबको सबसे ज़्यादा भाती, हर रंगों में धूम मचाती और इसके जैसा कोई ना साथी। तो पहचान गए क्या दोस्तों? जी हाँ, बात कर रहा हूँ वजीर की, रानी की, क्वीन की, जो बोर्ड पर आते ही साथ छा जाती है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हर चाहे वो डायगोनल्स हो, लाइट कलर हो, डार्क कलर हो, रुक के जैसा चलना हो, बिशप के जैसा चलना हो, हर तरह से काम करती है और क्वीन सबसे ताकतवर कहलाती है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे आप शतरंज सीखेंगे आप क्वीन को लेकर के बेहतर हो जाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि क्वीन के सपोर्ट पर जो भी मोहरा होता है वो ज़्यादा भरोसे लायक नहीं होता, क्योंकि जैसे ही क्वीन पर हमला होगा क्वीन को हटना होगा क्योंकि सबसे बड़ा मोहरा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मोहरे की। जी हाँ, मुझे लगता है आपको उसका अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन पहेली तो फिर भी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और पहेली कुछ इस तरह से है कि सबसे सुंदर इसका भेस, सबको देता ये आदेश, इसकी रक्षा हमारा काम, बच्चों बताओ इसका नाम। जी हाँ, राजा मतलब किंग की बात कर रहा हूँ मैं, और ये है किंग। किंग के साथ कुछ खास बातें जुड़ी हुई हैं। वैसे तो कहने को ये हमारा राजा है, पर अगर हम ताकत की बात करें तो किंग के पास उतनी शक्तियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी रक्षा करना ही हमारा काम है और यही शतरंज खेल है जिससे आप जीत और हार तय होती है। किंग सिर्फ एक एक घर चलता है चारों तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक एक घर जा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जाता है। अच्छा, किंग किसी भी ऐसे खाने में नहीं जा सकता है जहाँ पर अपोनेंट का कंट्रोल हो। तो जैसे इस स्थिति में आप देखिए कि ये तीन घर किसके कंट्रोल में है, हाथी के कंट्रोल में है।
तो किंग का यहाँ पे जाना इलीगल कहलाएगा, मतलब अलाउ नहीं है। अगर आप गलती से एक बार रख देंगे तो आपको एक बार वार्निंग मिलेगी, आप दोबारा रख देंगे आपको मैच हारा घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है किंग का यहाँ आना अलाउ नहीं है। जैसे नाइट है, ये दो स्क्वायर में से इस स्क्वायर पे नाइट का कंट्रोल है, तो ये जो किंग है यहाँ पर नहीं जा सकता है। तो किसी भी ऐसे खाने पे जहाँ पे आक्रमण होगा वहाँ पे किंग नहीं जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, यही कारण है कि दो किंग कभी पास पास नहीं आते, दे आर नॉट अलाउड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आजू बाजू होना उनके लिए अलाउ नहीं है। और जो तीन खाने हैं देख सकते हैं आप, दोनों का नियंत्रण है, इसीलिए दोनों में से कोई भी इन खानों पर नहीं आ सकता। और यही कारण है कि किंग कभी भी पास नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। राजा कभी भी एक दूसरे के बहुत करीब नहीं आ सकते। एक घर का डिफरेंस, चाहे वो स्ट्रेट हो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे वो डायगोनल में हो, एक खाने का डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस मोहरे की जो है तो सबसे छोटा लेकिन काम बड़े बड़े करता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे और आपके जीवन को भी सामने रखता है। जी हाँ मेरे छोटे छोटे बच्चों जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक दिन जब आप कुछ बड़ा बनेंगे कहीं ना कहीं आप उस प्यादे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि पहले तो छोटा होता है लेकिन बाद में बड़ा बन सकता है। कैसे वो हम जानेंगे। वफादारी है सबसे ज़्यादा, सबको बचाने खुद मर जाता, मेहनत कर आगे बढ़ जाता और एक दिन बड़ा भी बन के दिखाता। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ उस मोहरे की जो दोस्तों वैसे दिखने में तो बड़ा छोटा है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। जी हाँ आप पहचान गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ प्यादे की, वही प्यादे जो कि चेस शतरंज के बोर्ड के ऊपर आठ नंबर में होते हैं। आठ प्यादे होते हैं, चाहे वो काले मोहरे के खिलाड़ी हों या सफ़ेद मोहरे के खिलाड़ी हों, दोनों के पास आठ आठ प्यादे होते हैं। जी हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण मोहरे हैं बोर्ड के ऊपर। और इनमें एक जो सबसे खास बात यह है कि अगर ये प्यादा इधर पहुँच जाए तो वजीर भी बन जाता है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि एक कोई भी प्यादा जो होता है वो हमेशा सीधा चलता है, एक घर भी चल सकता है अपनी पहली चाल में और दो भी। हर मोहरे की, हर प्यादे की पहली चाल अलग मानी जाएगी, मतलब ये भी पहली एक घर पहली चाल में एक घर भी चल सकता है, दो भी, तो ये देखना होता है। तो जैसे हमने, मैंने यहाँ पर दो घर चला और मेरे अपोनेंट ने भी इसको दो घर चला, मैं ऐसे कहूँगा e4 e5। अब इस स्थिति में अगर हम देखें इन दोनों प्यादों को हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अब आगे नहीं बढ़ सकते, ये ब्लॉक हो गए, क्योंकि पॉन कभी सीधा मारता नहीं है, चलता तो सीधा है पर मारता सीधा नहीं है। अच्छा ये किन खानों में आक्रमण करता है, आगे के ये जो तिरछे खाने हैं जैसे ऊँट के जैसे, लेकिन एक एक घर, तो अगर ये कोई मोहरा इधर पे आएगा तो ये इसको मार सकता है, ठीक है, ये कोई इधर आएगा तो इसको मार सकता है। अच्छा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, पॉन एक बार आगे जाने के बाद पीछे नहीं आता, बाकी सारे मोहरे पीछे आते हैं बट प्यादा कभी पीछे नहीं आता, एक बार आगे चला गया तो चला गया और आजू बाजू भी नहीं मारेगा, सिर्फ ये दो तिरछे खाने में मारेगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, अब इस स्थिति को देखिए, इन प्यादे को अगर मैं आगे बढ़ाता हुआ ले जाऊँ धीरे 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 धीरे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, और जैसे ही ये प्यादा यहाँ पहुँचता है आप वजीर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो रुक बना सकते हैं, आप चाहें तो नाइट बना सकते हैं और आप चाहें तो ऊँट भी बना सकते हैं, बस वो प्यादा प्यादा नहीं रहेगा और राजा नहीं बन सकता। राजा दूसरा बनाना भी कौन चाहेगा, एक ही राजे में इतनी परेशानी होती है। खैर अधिकतर स्थिति में हम इसे कोई नहीं बनाते हैं क्योंकि अधिकतर नंबर हमें मिल सकें। तो ये इस प्यादे की बड़ी बात है कि एक प्यादा जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुँचता है और वजीर बन जाता है दोस्तों, मतलब ये शतरंज के बोर्ड पर सिर्फ एक ऐसा मोहरा है जो अपनी रैंक में परिवर्तन कर सकता है, बाकी सब तो हमेशा जो हैं वो वही रहते हैं अंत तक। दोस्तों अब हम बात करते हैं शतरंज में चेक क्या होती है, चेक मतलब शह जिसके आधार पर गेम चलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें उदाहरण के तौर पे, अगर मैं इस रुक को यहाँ पे रखता हूँ और इस किंग को चेक देता हूँ, ये किंग कहलाएगा चेक, मतलब मैंने इस किंग पे आक्रमण किया तो उसे मैं कहूँगा चेक। जैसे ही मैं आक्रमण करूँगा मैं कहूँगा चेक। जैसे ही आपके राजा पे आक्रमण होता है मतलब आपको चेक पड़ती है, किसी भी सूरत में गेम कंटिन्यू तभी होगा, लगातार आगे तभी बढ़ेगा जब आप इस किंग को इस चेक से बचा लेंगे। चेक बचाने के कई तरीके हो सकते हैं, एक आप अपने राजा को ही जहाँ से आक्रमण हो रहा है जिस लाइन में वहाँ से अलग कर लीजिए, दो आप किसी मोहरे को बीच में ले आइए, तीसरा जो मोहरा चेक दे रहा है अगर आप उसको मार सकते हैं तो आप उसको मार दीजिए। तो ये तीन तरीके होते हैं, राजा को हट जाइए या किसी मोहरे को बीच में ले आइए या फिर आप उस मोहरे को ही कैप्चर कर दीजिए जो कि आपको चेक दे रहा है। जैसे यहाँ पर ये ऊँट भी चेक दे सकता है,
डायगोनल पे आक्रमण करते हुए। अब यहाँ पे कोई मोहरा बीच में नहीं आ रहा, ना ही इसे मार सकते हैं, तो बेटर है कि हम इसको हट जाएं। मैं इसमें चाहूँगा कि स्थिति में ये रुक नहीं है यहाँ पर, तो इस स्थिति में बात करूँगा जब ये रुक यहाँ पे है, ये चेक आई, आपको हटना होगा। तो दोस्तों ये था चेक। अब जानते हैं चेकमेट का आखिरी स्वरूप क्या हो सकता है। मैं आगे की अगर आप कोशिश करूंगा, मैंने वैसे कोशिश की थी कि सिर्फ दो ही वीडियो बनाऊंगा, पर अगर और वीडियो बनाता हूं तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कुछ और नियम जो छूट जाएंगे अगर। तो जैसे स्थिति में अगर हम देखें, ये स्थिति हो और यहाँ पर मैं इससे रुख से चेक दूँ, तो आप देख सकते हैं कि सामने के तीन घर इस रुख ने बंद किए हैं और पीछे से इस रुख ने इसको चेकमेट कर दिया है। तो ये हो गई चेकमेट, क्योंकि किंग ना तो हट सकता है, बोर्ड खत्म हो चुका है, तो वो किंग ना तो इधर आ सकता है, ना कोई की पीस है ही नहीं बोर्ड पर जो कि बीच में आए या इसे मारे। तो ये कहलाती है फाइनल चेकमेट की पोजीशन। इसके हजारों उदाहरण हो सकते हैं, ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिसे हम इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे, वो है कैसलिंग। कैसलिंग क्या चीज होती है? कैसलिंग वो उस स्थिति में होती है जब इन राजा की और हाथी की पहली चाल होनी चाहिए। कैसलिंग एक ही तरफ हो सकती है, या तो इस तरफ या वो तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजा सिर्फ एक घर चलता है, नहीं, लेकिन कैसलिंग में राजा दो घर भी चल लेता है। सिर्फ एक ही बार ऐसा पूरे बोर्ड पे होता है और ये हमेशा राजा की चाल मानी जाती है। तो अगर मुझे कैसल करना होगा, किलेबंदी करनी होगी, तो अगर मुझे इस तरफ करना है या इस तरफ, तो पहले मैं किंग को दो घर जाऊँगा, एक दो और हाथी इस तरफ, ये शॉर्ट कैसल कहलाएगी, छोटी कैसल। और अगर मुझे कैसल इस तरफ करनी है तो एक दो और कैसल इस तरफ। याद रखिएगा कि अगर किंग एक बार भी हिल गया हो अपनी जगह से और वापस भी आ गया हो तो कैसल नहीं हो सकती। कुछ और नियम है, जैसे अगर आपका किंग चेक में हो तो कैसल नहीं हो सकती। पहले आपको चेक, अगर आप बच सकते हो तो किसी तरह आपको चेक बचना होगा, बाद में आप कैसल कर सकते हैं। दूसरा, किंग जिस भी स्क्वायर से होते हुए जा रहा है वहाँ पर अटैक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर इधर आक्रमण है तो ये कैसल नहीं हो सकती, इस तरफ हो सकती है, इस तरफ नहीं हो सकती। अगर इस खाने पे भी अटैक है जहाँ पे पहुँचना है तो वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि पहुँचने के बाद चेक पड़ेगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपके रुक के ऊपर अटैक हो तो कैसल हो जाएगी, क्योंकि किंग से, किंग पे आक्रमण नहीं है तो कैसल हो जाएगी। ये कहलाती है दोस्तों किलेबंदी। तो दोस्तों अब तो आप सारे मोहरों से मिल ही चुके हैं, उन्होंने जान ही चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि मोहरों की शुरुआती स्थिति कैसी होती है। आप जैसा कि इस बोर्ड पर देख रहे हैं, सबसे पहले उस मोहरे के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न है, और लोग कुछ भी बोलते हैं कि राजा राजा आमने सामने होना चाहिए या क्वीन क्वीन आमने सामने, ऐसा नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखें, वाइट का क्वीन हमेशा वाइट पे होगा और ब्लैक का क्वीन हमेशा ब्लैक में, मतलब सफ़ेद का वजीर हमेशा सफ़ेद खाने में और काले का वजीर हमेशा सफ़ेद खाने में, और ये दो हमेशा सेंटर पर ही होते हैं। तो जो बाजू का स्क्वायर होगा उस पर राजा होगा, ठीक है। मोहरों की स्थिति, सबसे पहले रुक, आप देख सकते हैं, फिर घोड़े मतलब नाइट्स, फिर ऊँट मतलब बिशप्स, और पॉन आमने सामने। तो ये है खेल की शुरुआती स्थिति। हमेशा याद रखिए, सफ़ेद की पहली चाल से खेल की शुरुआत होती है। हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि क्यों नहीं काले की पहली चाल से खेल की शुरुआत होती है, पर दोस्तों नियम तो बनाना है और किसी न किसी एक को शुरुआत करनी है थी, इसीलिए सफ़ेद की पहली चाल से खेल की शुरुआत होती है, और जैसे ही काला अपनी पूरी जवाब दे देता है तब जाके खेल की एक चाल पूरी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और जो भी बच्चे पहली बार शतरंज सीख रहे हैं, जो भी कोई पहली बार शतरंज सीख रहे हैं, उन्हें काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। मुझे लगता है कि शायद हमें एक वीडियो और बनाना होगा, कुछ और नियम है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। पर मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आपको अगर हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो उन सभी लोगों को जो कि पहली बार शतरंज सीखना चाहते हैं, आप इन वीडियो को ज़रूर उनको शेयर करें, उनके साथ बांटें, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी शतरंज को सीख करके इस मानसिक खेल से अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें। ये बेहद ही बड़ी सहायता हो सकती है हमारी कम्युनिटी की, जो एक प्रकार से एक समाज सेवा है, अगर आप शतरंज किसी को सिखाते हैं तो। किसी भी बच्चा, जो भी आपके आसपास बच्चे हों, चाहे उनकी छुट्टियों का समय हो, ज़रूर उन्हें इस खेल से परिचित कराएं, उन्हें इस वीडियो दिखाएं, या आप खुद भी इस वीडियो को देख करके उन्हें बता सकते हैं, ताकि वो इस खेल को सीख सकें। हम कोशिश करेंगे एक वीडियो और लेके आएंगे इस सीरीज़ पर, ताकि आपको कुछ और नियम जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चेस बेस इंडिया से जुड़े रहने के लिए, हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।